Jassi Jaisi Koi Nahin. आपसे एक बात पूछनी थी. एक्चुअली सवाल थोड़ा पर्सनल है, इसलिए अगर आप जवाब ना देना चाहें तो आई अंडरस्टैंड. वेल ये मैं डिसाइड कर लेता हूँ. पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? वो क्या है, मैं एक क्लाइंट और लॉयर के रिलेशनशिप को काफ़ी नज़दीकी रिलेशनशिप समझता हूँ, इसलिए एक्चुअली मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपका मिस्टर देसाई के बारे में क्या ख्याल है. आई मीन एज अ लॉयर. अच्छे, इज वेरी गुड. लगता है आप उनसे पहली बार मिलने वाले हैं. जी हाँ, वो क्या है कि मेरे ऑफिस ने उन्हें रेकमेंड किया था. एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर जा सकते हैं. ओके, बेस्ट फ्लैग. थैंक यू. थैंक यू. दो साल का कमिटमेंट होगा और इन दो सालों में तुम किसी और फैशन हाउस के साथ काम नहीं करोगी. चाहो तो तुम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के बैक्टीरिया ढूंढ सकती हो, लेकिन जहां तक मैं जानती हूं इस कॉन्ट्रैक्ट की लाइंस के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है. नो घपला एट ऑल. हे मिस वालिया, आप कहां जा रही हैं? आपको नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी? हाँ, चेयरमैन की सेक्रेटरी थी. इस ऑफिस को मुझे छोड़ो तो तुम्हारी जरूरत. अरे ऐश्वर्या, जैसे मुझे छोड़ के कभी मत जाना. तुम जैसी को हमेशा खुश देखने जाता हूँ, क्योंकि जैसी ने गुलमोर के लिए बहुत किया है. गुलमोर को अपना वक्त, मेहनत और प्यार दिया है. और अगर जैसी के जाने की कमी किसी को खलेगी तो वो तो मैं. लेकिन मैं चाहता हूँ तुम वहीं जाओ, वहीं करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले. अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कोहियूर में एम्प्लॉय करके तुम कोहियूर को टेक ओवर करना चाहती हो. लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि तुम कोहिनूर में किसी को भी रख सकते हो, तो अब मैं कहता हूं कि तुम्हें नंदू को कोहिनूर से निकालना होगा. गुलमोहर की सफलता जैसे ही बिना सोचना नामुमकिन सा लगता है. नंदू अभी भी मेरे ऑफिस में है, जबकि मैंने तुम्हें उसे निकालने के लिए कहा. मैं नंदू को नहीं निकाल सकती सर, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपकी कंपनी छोड़ देती हूँ. जैसे कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. इस फैशन शो की सफलता में जैसी का पूरा हाथ है. कम ऑन, गिव मी 10. कम ऑन. हैव अ सीट. थैंक यू. आपकी कंपनी ने इंट्रोडक्शन लेटर भेजा था मुझे. अच्छा, तो फिर मैं सीधा काम की बात करता हूँ. देखिए मिस्टर देसाई, मैं एक टेक ओवर डील पे काम कर रहा हूँ, और ये डील फाइनलाइज करने से पहले मैं कंपनी के बारे में कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ. यही कि वो कंपनी किसी इलीगल काम या किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है. ओके, कंपनी का नाम बताइए. गुलमोहर फैशन हाउस. आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता. मिस्टर देसाई देखिए, मुझे सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें कुछ इलीगल नहीं है. देखिए वो बात नहीं मिस्टर मेरा, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि गुलमोहर मेरे क्लाइंट्स हैं. एक केस में पहले से उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इसका मतलब गुलमोहर किसी ना किसी कानूनन मामले में तो जरूर फंसा हुआ है. क्या हो सकता है? तो छोटी छोटी बातों में मेरा दिमाग मत खाया कर अमृत. मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अच्छा लड़का है और इस वक्त परेशान है. आपने आज तक तो अरमान सूरी की तरफदारी की नहीं, आज कर रहे हैं तो इसलिए हैरानी हो रही है. अरे मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं तो जस्सी की बात कर रहा हूँ. जस्सी को वो करना चाहिए जो सही है, और इस वक्त सही ये है कि अगर गुलमोहर को जस्सी की ज़रूरत है तो उसको वहीं रहना चाहिए. देखिए जी, ये आपकी नज़र में सही है, लेकिन फैसला तो वही करेगी ना. पापा जी. मामा.
आपको पता है मैंने ना आज फैसला कर लिया है, आप बाबा जी को भी बता देना, मैं हंसमुखी मैम की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे एक अलग से कैबिन मिल रहा है और एक सेक्रेटरी भी। अच्छा। अमृत मेरी फाइल कहाँ? हाँ कब से बोल रही हूँ, और वो मीटिंग फिक्स की? अपनी शक्ल मत देखो, गो शूट। जी पापा जी मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। बेटा मुझे लगता है तुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए। पापा जी देख, बेटा गुलमोहर ने मतलब सूर्य की कंपनी ने तुझे सबसे पहले काम दिया था और वही तेरी सबसे पहली नौकरी थी, वहीं से तू सब कुछ सीखी है बेटा। अब उन्हें इस वक्त तेरी बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए तुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पापा जी मैं मानती हूँ कि गुलमोहर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भी तो किया है ना। अरमान सर के लिए, गुलमोहर के लिए। देख बेटा मैंने तुझसे गुलमोहर छोड़ने के लिए कहा था, ये मेरी गलती थी, मैं उसके लिए तुझसे माफी भी मांगता हूँ। और वैसे भी बेटा जब कभी किसी को आपकी जरूरत हो और ऐसे वक्त हम उसको छोड़ दें, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए मैंने तेरे अरमान सूरी से वादा कर लिया कि तू दोबारा से कुछ और ज्वाइन कर ले। मैंने भी हंसमुखी मैम से वादा किया है पापा जी कि मैं उनकी कंपनी ज्वाइन करूंगी। हेलो हेलो जैसी दीदी, कैसी हो आप? कितनी देर से घंटी बज रही है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं ठीक हूँ रोहन। जैसी दीदी मैं मुंबई आना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, आप वहाँ पे अकेली हो, मैं यहाँ पे अकेला। मैं अकेली थोड़ी ना हूँ रोहन, घर में बाकी सब भी है मेरे साथ, तुम्हारे साथ कोई नहीं है वहाँ? बस जिस तरह आपके साथ सब है, लेकिन आप अकेली साउंड कर रही हो, वैसे ही मेरे साथ एक लीला बॉस है जो मेरी कैटेगर, मेरी आफत है, मेरी पुलिस है, मेरी। अच्छा अच्छा समझ गई। ये जैसी फोन क्यों नहीं उठा रही है? ऑफिस छोड़ रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब से काम ही नहीं करेगी, इररिस्पॉन्सिबल लड़की। पूरा भैया ने कहा था कि वो मेरा ख्याल रखे, वो अकेला फील ना करे, लेकिन मैं तो अकेला ही फील कर रहा हूँ ना। रोहन अब जरूरी नहीं है कि जैसा तुम फील करो वो सब सही है और बाकी सब गलत। जैसी जी बताओ मुझे क्या गलत है? मैं आपका गाइड हूँ ना, हूँ ना। उसी तरह समझ लीजिए कि मैं फोन पे नहीं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम भी समझ लो कि मैं फोन पे नहीं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, फिर तुम भी अकेला महसूस नहीं करोगे। ओके दीदी थैंक यू, बाय बाय। जैसी को लेकर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो इस कंपनी में रहे ना रहे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक वो इस ऑफिस में काम कर रही है अरमान के काम को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तक अरमान के पास काम है। कुछ कहा तुमने? नहीं मैं कह रहा था कि अरमान का काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर जैसी इस ऑफिस में नहीं रहेगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। यू नो आर्यन जब तुम बातें ऐसी गोल गोल करके करते हो मुझे बहुत इरिटेशन होता है। अरे सिंपल सी बात है बहना, देखो अगर जैसी इस ऑफिस में नहीं रहेगी तो अरमान हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपा ही नहीं पाएगा, और अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाएगा तो हमें हर वक्त पता होगा कि इस कंपनी में क्या हो रहा है। हमारे लिए और गुलमोहर के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कुछ गड़बड़ है? तुम क्या कह रहे हो रोहन? पूरा भैया मैंने आपको कहा था ना जैसी दीदी का ख्याल रखना। रोहन शी इज फाइन। नहीं मैंने अभी उनसे बात की, आपको तो सब कुछ फाइन लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो सैड हो जाए और वापस भाग जाए आप प्लीज उनके पास जाइए, और मुझे उनकी आवाज से ही पता चल रहा था कि वो फाइन नहीं है।
क्या प्रॉब्लम है पापा जी? ये तो पुरानी प्रॉब्लम है, कोई नई प्रॉब्लम बता ना। पापा जी नहीं चाहते कि मैं हंसमुखी मैम को ज्वाइन करूं। वो मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तू उनको समझा लेंगे, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? हाँ, परेशान होने से हंसी खो जाती है। हेलो। नहीं नहीं, ये हंसी में काउंट नहीं होगी। हाय नंदू, चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारी हंसी ढूंढने, बाबा आइसक्रीम खाने, चलो। नहीं पूरब, तुम जाओ। अरे अब अकेला आइसक्रीम खाता हुआ कितना बेवकूफ लगूंगा मैं। हाँ चलो ना, प्लीज। मन नहीं है। ओहो, अब मन भी नहीं है? जरूर हंसी के साथ होगा। ऐसा करते साथ चल के दोनों को ढूंढते। हाँ उसको नहीं जाना तो आप इतनी जिद क्यों कर रहे हो? अरे जिद करना तुम्हारी खानदानी बीमारी है। अब रोहन जिद करना तो नहीं चलती क्या? चलो भाई, ये तो चीटिंग हुई। हा? बच्चों के साथ पार्शियलिटी और बड़ों के साथ नाइंसाफी। अच्छा ठीक है, चलो नंदू तू भी चल। एक एक प्रॉब्लम है। वो क्या है, मेरा ड्राइवर ना वो चाय पीने गया, तो भाई हमें तो ऑटो में जाना पड़ेगा। हाँ तो उसकी तो हमें आदत है भाई। यही तो प्रॉब्लम है, आदत ना मुझे नहीं है। 20 साल बाद मैं ऑटो में बैठ रहा हूँ, थोड़ा डर लग रहा है। अगर घबरा गया तो तुम संभालोगे ना? हाँ। ये लो, हंसी तो मिल गई, अब बस मन को ढूंढना बाकी है। हाँ यार, वो इस नए फैमिली फ्रेंड के साथ ना फुर्र से उड़ जाएगी और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तू उसका बॉयफ्रेंड है। उसका बॉयफ्रेंड भी सिर्फ बात करता रह जाएगा। देखना चाहिए था यार उसको, बेचारे को कितना जल रहा था उस दिन। यार कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, ये नया खिलाड़ी आके ना हमारा पूरा का पूरा खेल बिगाड़ रहा है। कोई खेल नहीं बिगाड़ेगा राज, क्योंकि जस्सी के दिमाग पर सबसे ज्यादा असर होता है बिल्लू पापा जी का। और आजकल बिल्लू पापा जी मेरे लंगोटिया यार बन चुके हैं। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि जीत किसकी होती है, उस फैमिली फ्रेंड की या फिर इस अंडरवेयर फ्रेंड की। तो फिक्र मत कर राज, जस्सी को हमसे कोई भी दूर नहीं ले जा सकता। I promise. क्या हुआ जस्सी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ तुम परेशान हो। गलत, मेरे चेहरे पे लिखा है कि कोई खास बात नहीं है। अरे बाबा, खास बात नहीं जो है वही बता दो। कोई बात नहीं है पूरब। जस्सी मेरी बात मानो तो बात बात में बात को छुपाओ मत। बताओ क्या हुआ? नई नौकरी के बारे में सोच रही थी। है मुझसे कुछ कह रही है? क्या कुछ नहीं। क्या नई नौकरी पसंद नहीं है? पसंद है, बल्कि मैंने तो हंसमुखी मैम से भी बोल दिया कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो फिर परेशानी पुरानी नौकरी है। क्या पसंद है? पसंद है लेकिन। लेकिन बॉस पसंद नहीं? नहीं, वो भी अच्छे हैं। तो फिर तुम वो नौकरी क्यों छोड़ रही हो? पापा जी चाहते हैं कि मैं ये नौकरी ना छोड़ूं। लेकिन तुम क्यों छोड़ना चाहती हो? क्योंकि कभी कभी सही लोग भी भटक के गलत फैसला ले लेते हैं। अच्छा, जिसका तुम जैसा असिस्टेंट हो वो भी गलत फैसला ले सकता है? सब भरोसे की बात होती है पूरा। मतलब परेशानी की बात है, बताओ क्या हुआ? पूरब, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी सारी सीक्रेट्स बता दूं? ऑफ कोर्स, इसलिए तुम्हें आइसक्रीम खाने ले जा रहा हूं मैं। जैसे थैंक यू। ओह ये लो। नहीं मैं ले आऊंगा। एक सूप बैंक। हाँ थैंक यू। It's delicious, huh? Pura, apni bhi to secrets batao mujhe. Secrets? Achha. Jis deal pe main kaam kar raha hu na, uski company mein mujhe koi gadbad lag rahi hai. To tumne company ke bare mein kuch pata lagaya? Wohi to koshish kar raha hu main. Ek dhang ka ice cream parlor to dhoondne ka koshish kar. Waise is company ki market mein reputation kaafi achhi hai. Are tumhe clients se nahi supplier se pata karna chahiye. Asli information un logon ke paas hi hoti hai.
Not a bad idea. No wonder इतने लोग तुम्हें नौकरी देने को तैयार हैं। तुम्हें उस बात का फायदा उठाना चाहिए जैसे। फायदा उठाना आता तो आज ये नौकरी नहीं छोड़ती। क्या? क्या कहा? तुझसे नहीं कहा। नंदू, कहाँ जा रहा है? जैसे यहाँ पे बहुत गर्मी है, मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी। अरे, इसे क्या हो गया? जैसे एक बात कहूँ तुमसे? ये जो नौकरी की फिक्र है ना, ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें जैसी नौकरी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही मिलेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। जैसी, तेरे अरमान सर का फोन आया था। कह रहे थे कि गुलमोहर को तेरी बहुत सख्त जरूरत है। पापा जी मैं देख बेटा, अच्छा आदमी वही होता है जो बुरे वक्त में किसी के काम आता है। हमारे संस्कार तो हमें यही सिखाते हैं। लेकिन पापा जी मैं अब मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया बेटा। तुझे अपने पापा जी पे भरोसा है? मिस्टर वर्मा, हमें ऑर्डर्स मिलेंगे तो आपको ऑर्डर देंगे ना। आज उसको ले जाए। सर, मेरे पापा जी ने मुझसे बात की सर। मुझे पता था, बताया था उन्होंने मुझे कि वो तुमसे बात करने वाले हैं। एनीवेज, क्या बोला? उन्होंने कहा कि नौकरी वहां करनी चाहिए जहां पे खुशी, इज्जत और आगे बढ़ने का मौका मिले। बिल्कुल सही बोला उन्होंने जैसे। और वो सब मुझे गुलमोहर में मिला है सर। Thank you so much, Jassi. Hey, welcome back, Rani of Jassi. Welcome back. Long live the Maharani. Sir, लेकिन ये सब मुझे नई नौकरी में भी मिला है। Jassi, तुम? मेरी बात पूरी नहीं हुई है सर। मैं गुलमोहर वापस नहीं आऊंगी सर। क्या? सर, मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरा नाम कोहिनूर से हटा दीजिए, क्योंकि मैं अपना करियर एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरी नई कंपनी और मेरे बॉस वो नहीं चाहते कि उन्हें कमिटमेंट देने के बाद मैं किसी और कंपनी से एसोसिएटेड रहूँ। मेरी कोई पर्सनल चीज़ें कैबिन में पड़ी है सर, मैं ले लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। इस वक्त गुलमोहर में कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल से सब मिलाकर कम से कम 1000 तो होंगे, उसमें से मैनेजमेंट और सेक्रेटरीज वगैरह तकरीबन 50। और टेक ओवर के बाद उनके लिए आपकी क्या पॉलिसी है? वेल, मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल स्टाफ के लिए तो रिटायरमेंट पॉलिसी बेस्ट होगी। बेवकूफ है सारे, अब भी चेयरमैन के प्रति इतनी लॉयल्टी, निकाल देंगे सब। सिर्फ एक को छोड़कर। Of course, आपकी बहन, right? Right. Chairman की assistant. वैसे वफादार तो वो भी है, मगर काम में बहुत अच्छी है। कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इतनी अच्छी ऑफर देंगे उसे कि मना कर ही नहीं पाएगी। क्या नाम है उसका? जसमीत वालिया। जसमीत वालिया? अरमान सूरी की असिस्टेंट। जस्सी कहते हैं। जस्सी गुलमोहर के लिए काम करती है क्या? जस्सी का सहारा सिर्फ ये नई नौकरी है? क्योंकि उसके पास कहीं से तो पैसे आ रहे हैं। कहां से? कोहिनूर से।
या फिर ये भी उसकी कोई चाल है? अरमान, ये भी तो हो सकता है कि कोई और उसे सपोर्ट कर रहा हो। इट्स पॉसिबल। सब मैं मारिया बोल रही हूँ। हाँ मारिया बोलो। सब जैसी के लिए फोन है, सप्लायर की वहां से है शायद। Put him on. Okay. Yes? जी मैं सप्लायर्स के ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैं जसमीत वालिया से बात कर सकता हूँ? कौन सा सप्लायर? जी वो जानते हैं। अच्छा, वो जानती हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। मुझे लगता है बहुत जल्द हमें कुछ पता चलने वाला है। जैसी, हेलो, मैं पूरा बोल रहा हूं। तुम देखो, कुछ सवाल मत पूछो, मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या तुम मुझे अभी मिल सकती हो? एक मिनट सर, और कोई काम तो नहीं है ना? अभी मैं जा सकती हूँ? हाँ, अभी मिल सकते हैं। सुना तूने? अभी मिल सकते हैं। देख, मुझे लगता है हमें जैसी का पीछा करना चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेट्स गो।